चंडीगढ़ दमकल विभाग द्वारा आज अर्थ प्रकाश भवन की इमारत में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भीषण गर्मी में अचानक लग जाने वाली आग से निपटने के लिए या स्वयं के बचाव के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। फायरमैन देवेंद्र सिंह सिवाच ने तकनीकी वार्ता के माध्यम से मौजूद श्रोताओं को आग से निपटने के लिए जागरूक किया। इसी कड़ी में अर्थ प्रकाश संवाददाता ने दमकल विभाग के मौजूद कर्मियों से बातचीत की है। नमस्कार, गर्मी का सीजन है और गर्मी पूरे प्रचंड रूप दिखा रही है अपने, और चंडीगढ़ प्रशासन इसके लिए बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ऐसे गर्मी के मौसम में किन्हीं कारणों की वजह, किसी भी कारण की वजह से कहीं भी आग लग सकती है। मेरे साथ हैं इस वक्त देवेंद्र सिंह सिवाच, जो एक सीनियर फायरमैन है चंडीगढ़ फायर डिपार्टमेंट में। आज उन्होंने अर्थ प्रकाश बिल्डिंग में अपनी एक स्पेशल क्लास ली, एक जन जागरण कार्यक्रम के तहत, कि जब कहीं किसी भी बिल्डिंग में, घर में, रेस्टोरेंट में, किसी जंगल में, कहीं बाहर आग लग जाए तो आम नागरिक के उसमें क्या फ़र्ज होते हैं और उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सिवाच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये हमारे जो चंडीगढ़ फायर सर्विस की तरफ से हर दिन लेक्चर को एक प्रारूप दिया जाता है। हम हर दिन किसी न किसी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे अपना लेक्चर करते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है और उन घटनाओं से बचने के लिए हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो उनको बताते हैं कि भी आप इस तरह ऐसी चीज़ें करो, आप अपने आप को बचा सकते हो। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि भाई टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लोग अपने घरों में एसी को बहुत ही लो उस पर रखते हैं, उससे क्या हो रहा है कि भाई एक ओवरलोड होने की वजह से कंप्रेसर फटते हैं, कई बार उनकी वजह से अदर उसमें आग लग सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई आप ओवरलोड से बचाएं अपने एसी को, और हो सके उसको कम उस पर रखें कि भाई जैसे 26 तक आप रख सकते हैं उसका कूलिंग जो है, और आप एक टाइम के बाद उसको बंद भी कर सकते हैं कि भाई आपने एक घंटा यूज़ कर लिया, उसको 10 मिनट रेस्ट दे दिया, उससे भी आपका जो लोड का वो है वो घट जाएगा। यही बात है कि भाई हम लोगों को बताते हैं और वो ध्यान से सुनते हैं। आज हमारा यहाँ पे अर्थ प्रकाश में लेक्चर था और यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ के स्टाफ ने हमें पर भरपूर उससे सुना और बोला कि भाई आपने हमें बहुत अच्छा सिखाया है, और उससे हम ये रखेंगे कि भाई जितना भी हो सके अपने आप को आजकल जो आगजनी की घटनाएं हो रही उनसे बचाएं। धन्यवाद। अच्छा अंकुश जी, आप कितनी देर होगी आपकी सर्विस के लिए? मेरे सर्विस के 2 साल हो गए अभी। 2 साल हो गए जो, बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले सर? हरियाणा से, सोनीपत से। हरियाणा से। सर, कुछ आपने डिफरेंस महसूस किया कि आगजनी की घटनाएं हरियाणा में ज्यादा होती हैं चंडीगढ़ में ज्यादा? नहीं, आगजनी की घटनाएं तो कहीं पर भी ज्यादा हो सकती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, पर जो मैंने चंडीगढ़ में आके देखा है यहाँ पे नॉलेज के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को छोटी छोटी सी नॉलेज, अगर हम थोड़ी भी चीज किसी को बताएंगे तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा हो सकता है इसमें। अगर हम कोई भी नॉर्मल जनता है उसको अगर हम आग के बारे में बताएंगे किस तरह से आग लगती है और उसको हम किस तरह से बुझा सकते हैं, तो क्या पता वे अपने आप ही बच सकते हैं उससे, फायर डिपार्टमेंट की उन्हें जरूरत ही ना पड़े। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक सबको ये अपने चंडीगढ़ वासियों को एक ये बताना चाहता हूँ कि आजकल फायर के इंसिडेंट बहुत बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा गर्मी के साथ साथ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए एक हमारे जो चंडीगढ़ की तरफ से है बहुत अवेयर किया जा रहा है लोगों को। हम खुद डिपार्टमेंट जाके मार्केट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन की जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, इनमें हम जाके सबको अवेयर कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारे हमें 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने, मतलब जोरों से चल रहा है। वैसे तो हमारा पूरा साल ही चलता है सीजन, लेकिन जब गर्मी शुरू होती है उससे पहले हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है नियर अबाउट फरवरी के एंड से, मतलब पूरे जोरों शोर से चलता है ये। तो हमारा ये रहता है कि हमारे चंडीगढ़ शहर के अंदर
हम में जो अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो मिनिमाइज रहे, उसमें कोई लॉस ना हो, कोई लाइफ की मतलब कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई लाइफ लॉस ना हो, या जो अगर कहीं ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अवेयर हैं जो हमारे सिटीजन या हमारे शहरवासी, वो मतलब अपने आप ही इसको कंट्रोल कर लें फर्स्ट स्टेज पे। अगर वो फर्स्ट स्टेज पे ही हम एक ग्लास डाल के या उसको फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल कर लेते हैं तो वो बड़ा हादसा हमारा होने से बच जाता है। तो कोशिश ये रहे कि मतलब जो क्या कहते हैं अपना, कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर घरों में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इमरजेंसी नंबर क्या है। हमारा इमरजेंसी नंबर 112 है। ये सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई आजकल पुलिस का भी और एम्बुलेंस का भी और एनी कोई भी इमरजेंसी आपको रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी सर्विसेज की, तो वो आपने 112 पे डायल करना। तो ये शहरवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है। नरेश जी, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आप इंस्टीट्यूट में जाके और सोसाइटीज में जाके, मॉल्स में जाके, बिल्डिंग्स में जाके, मार्केट्स में जाके अवेयर करते हैं, वो मात्र एक घंटे का दो घंटे का प्रोग्राम होता है। यस सर। क्या प्रशासन द्वारा कोई ऐसी भी स्कीम है कि प्राइवेट तौर पे जो फायर फाइटरिंग की है जो ट्रेनिंग दी जाए आम सिविलियन को, ताकि वो अपने साथ साथ किसी अड़ोस पड़ोस में या सरकार की भी मदद कर सके, प्रशासन की मदद कर सके इन केस ऑफ फायर? कुछ एनजीओ वगैरह हैं जो हमारी अगर मेजर कोई कॉल होती है तो वो हमारा साथ दे देते हैं, आ जाते हैं हमारी हेल्प के लिए। और कहीं हमने पीछे मतलब एक मोहल्ला एनजीओ हमने बनाई है छोटी छोटी, ताकि वो अगर कहीं हमें उनकी रिक्वायरमेंट पड़े तो वो हमारा साथ दे सके वहाँ पर। तो फायर फाइटिंग के लिए वो ट्रेन है सर? हमने उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी हुई है, बेसिक ट्रेनिंग जो हम कह सकते हैं जिसको, तो वो आ जाते हैं हमारे उसमें अगर कोई मेजर ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट तो। एक मेरे एंड में ये है कि सभी जो हमारे शहरवासी हैं वो थोड़ा अवेयर रहें, और अगर किसी को कोई ऐसी मतलब अवेयरनेस की कोई ज़रूरत है, वैसे तो हम दे रहे हैं सारी जगह, पर अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ को लगता है कि भी हमें और रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़रूरत है अवेयरनेस की, तो प्लीज़ आके हमें कोई बता सकता है, फायर स्टेशन पे आ जाए या हमारे जो वो है सीएफओ साहब हैं हमारी मैडम हैं, उनसे कोई रिटर्न में दे सकते हैं भाई हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जी। नहीं तो हम मोस्टली मार्केट्स और मोहल जितने भी हमारी सोसाइटीज़ हैं या और कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, सब में हम अवेयर कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ फायर स्टेशन इंचार्ज नरेश कुमार जी। देखिए, सरकार, प्रशासन और निगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम शहरवासियों का भी ये फ़र्ज बनता है कि हम सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं खुशविंदर सिंह अपने सहयोगी अरजिंदर दत्त के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए, धन्यवाद।